हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा बैंगन की बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सब्ज़ी। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए ना तो हमने काजू का इस्तेमाल किया है, ना मूंगफली या क्रीम का, ना ही नारियल का, बल्कि घर के ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से हमने ये लाजवाब सी सब्ज़ी बनाकर तैयार की है। और इसके साथ ही एक ऐसा सीक्रेट मसाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी भरवा बैंगन का जो जायका है वो तो दुगना हो ही जाएगा और मसाला बैंगन में से निकलेगा भी नहीं। और इस मसाले का इस्तेमाल आप किसी भी भरवा सब्जी को बनाने के लिए जैसे कि टिंडे, परवल, भिंडी या हरी मिर्च कर सकती हैं और इसको स्टोर कर भी रख सकती हैं आप। ये ख़राब नहीं होता है काफ़ी टाइम तक और जब भी आपका दिल करे आप कोई भी भरवा सब्जी इस मसाले से जल्दी से तैयार कर सकती हैं। तो ढाबा स्टाइल के भरवा बैंगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो छोटे वाले बैंगन लिए हैं जिनको वॉश करने के बाद में सुखा लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ बैंगन में इस तरीके से कांटे निकले हुए होते हैं, तो इनको हम अलग कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से अलग कर देंगे। और अब यहाँ पर हम बैंगन में जो डंठल निकली हुई होती है वो भी अच्छी नहीं लगती है, जिनके ज़्यादा डंठल लंबे होते हैं तो उनको भी बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने सारे बैंगन तैयार कर लेने हैं। तो अब हम ये बैंगन लेंगे और इसको हमने दो भाग में कट लगाना है। तो नीचे से थोड़ा सा छोड़ देंगे, अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये बैंगन अलग हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से दो भाग में हमने इसमें चीरा लगा लिया है इस तरीके से और नीचे से थोड़ा सा रहने भी दिया है। तो इस तरीके से कट लगाने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि मसाला अच्छे से चला जाता है अंदर तक। दूसरा, अगर ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि अगर कोई कीड़ा भी है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे बैंगन यहाँ कट लगा कर तैयार कर लेने हैं। तो चलिए, बैंगन तो हमने कट लगाकर तैयार कर ही लिए हैं, अब इसका भरवा सीक्रेट मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो भरवा बैंगन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर पैन रख देंगे गरम होने के लिए और अब इसमें हम 2 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है और बेसन का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और भरवा बैंगन में से जो मसाला हम भरते हैं ना वो निकल जाता है, तो इसकी वजह से ये मसाले में निकलेगा नहीं और बैंगन के अंदर ही रहेगा। तो बेसन को यहाँ हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी कच्चेपन की स्मेल निकल जाए और बेसन में से जब एक सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि बेसन हमारा अच्छे से भून गया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई खटाई यानी कि अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट अभी हमें ग्रेवी में भी डालना है तो इसमें इसीलिए हम कम डाल रहे हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका सौंफ का पाउडर, तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ ले लिया है सौंफ पाउडर, इससे जो मसाले का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इनको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और 1/4 टीस्पून यहाँ मैंने डाल दिया है हींग का पाउडर। अब इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करना है और इस गर्म पैन में ही हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि हल्के हल्के से ये रोस्ट भी हो जाए। तो ये देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है अच्छे से, तो अब इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मसाला तो हमने प्लेट में निकाल लिया है फ्रेंड्स, इसको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये मसाला ख़राब नहीं होता है। और जब कभी भी आपको कोई भी भरवा सब्ज़ी बनानी हो तो उसमें आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाला तो हमारा रेडी हो ही चुका है, अब इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा तेल भी डालेंगे जिससे कि अच्छे से मसाला बाइंड हो जाए और सब्जियों में हम भर पाएँ अच्छे तरीके से और सब्जी से बाहर ना निकले। तो इसके लिए ऑयल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे मसाले को और ये मसाला हमारा ऐसा बनकर तैयार हो चुका है कि किसी भी वक्त आप कोई भी जब भी आपका दिल करे भरवा सब्जी बनाने का तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम बैंगन लेंगे जिन्हें हमने कट लगा के तैयार करके रखा हुआ है और उसमें दबा दबा कर अच्छे तरीके से इस मसाले को भर देंगे ताकि हमारे बिल्कुल भरवा मसाला बैंगन ढाबा स्टाइल के तैयार हों बनकर, बिल्कुल ढाबे वाले बैंगन की तरह। तो ये देखिए, अच्छी तरह से भर दें इसके अंदर इस मसाले को। अब जो बैंगन के ऊपर से मसाला
थोड़ा सा रह गया है एक्स्ट्रा, इसको हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जब हम बैंगन को फ्राई करेंगे तो उस वक्त ये मसाला जल जाएगा और बैंगन हमारे जो हैं वो काले काले से हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो चलिए अब इसी तरीके से हम बाकी के जो बैंगन हैं उनको भी तैयार कर लेते हैं भरकर। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सब बैंगन भरकर तैयार हो चुके हैं और इसका जो थोड़ा सा मसाला बच गया है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं और इन बैंगन को फ्राई करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसको गर्म होने के लिए रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून के अराउंड ऑयल। तो इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो मसाला बैंगन से बाहर निकल आएगा। तो इसको पूरे पैन में फैला देंगे ताकि जो बैंगन है वो हमारे चिपके नहीं। और अब इसमें हम बैंगन को रखेंगे और शैलो फ्राई करेंगे ताकि मसाला अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम एक एक करके सारे बैंगन इसमें रख देंगे और इनको शैलो फ्राई करना है तो मीडियम फ्लेम पर इसको रखेंगे और हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इन्हें हमें पकाना है। ऐसा करने से ये 30% तक गल भी जाएंगे और मसाला जो है इनके अंदर अच्छे से सेट भी हो जाएगा। और स्पून का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बस इन्हें हिलाते हुए ही पकाएंगे। तो चाहे तो आप इसमें इसके ऊपर लिड भी लगा सकते हैं और बीच में एक दो बार इसको चेक भी कर लीजिएगा कि बैंगन जल तो नहीं रहे हैं नीचे से। और इन्हें लगातार हिलाते हुए इसी तरीके से हमको पकाना होगा। तो मुझे अभी 2 मिनट ही हुए हैं, मैं आपको लिड हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ये हल्के से पक चुके हैं बैंगन नीचे से। अब इनको हम इस तरह से पलट देंगे हाथों से और स्पून का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें। अगर हम इसे इसी तरीके से हाथों से फ्लिप कर लेंगे और फिर लिड लगा कर रख देंगे कुछ देर के लिए। तो अब मैं आपको लिड हटा कर दिखाऊंगी कि हमारे बैंगन कैसे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे लग रहे हैं अभी से। और इनका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है और 30% तक ये गल भी चुके हैं बैंगन। तो बस अब इनको हम एक तरफ रख देंगे। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल दिया है, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/4 टीस्पून सरसों। तो सरसों डालने से इसका ज़ायका बहुत अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का, इसको आप ज़रूर डालें। और जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इनको फ्राई कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई अनियन, इसको डाल देंगे और इन अनियंस को हम हल्का सा गोल्डन होने देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर ही हमें प्याज को हल्का सा गोल्डन करना है। तो ये लीजिए प्याज हल्की सी हमारी गोल्डन हो चुकी है। तो क्योंकि अब हम ये ढाबा स्टाइल मसाला बैंगन की सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिनको रफली चॉप कर दिया है, इनको डाल देंगे और इनको डालने के बाद में अच्छे से भूनेंगे। तो अब टमाटर इसमें डाल दिए हैं मैंने, इनको भी अच्छे से भून लेना है। ऐसा करने से इस सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि टमाटर हमने इसमें डाले हैं तो जल्दी गलाने के लिए इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे और उसको भून लेंगे। जब तक फ्रेंड्स टमाटर भून रहे हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा कम दही और इसको किसी भी विस्कर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको वही ग्रेवी बता रही हूँ जो कि ढाबे पर बनाई जाती है। बिल्कुल हमारे बैंगन ऐसे ही बनेंगे जैसे कि ढाबे पर बनते हैं। तो यहाँ पर दही के अंदर हम कुछ खास इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे हमारी जो ग्रेवी है उसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और जो मसाला हमारा बचा था बैंगन का वो भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें सारे मसाले हैं तो कोई अलग से और चीज़ डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मसाला हमने भूनने के लिए रखा था खूब अच्छे तरीके से भुन गया है, क्योंकि सारा जो ऑयल है वो रिलीज़ हो चुका है।
तो मसाला तो भुन चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और उसमें 3 टेबलस्पून वाटर ऐड कर देंगे। ऐसा करने से जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अब इस मसाले में हम दही को ऐड करेंगे। अगर हम गर्म मसाले में दही डाल देंगे तो दही फट सकता है, तो इसीलिए फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मसाले को इस तरीके से ठंडा करके हम इसमें दही ऐड करेंगे। ऐसा करने से दही फटेगा नहीं और जो मसाला है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। तो अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। तो ये देखिए मसाला तो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम जो हमने भरवा बैंगन फ्राई करके तैयार किए थे उनको ऐड करेंगे। तो ये जो सारे बैंगन हैं इनको हम इस दही की ग्रेवी में लगा देंगे और इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप पानी डाल के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, गाढ़ी या पतली जैसी आप चाहते हैं। तो लीजिए सारे बैंगन तो हमने दही में लगा दिए हैं, तो अब बैंगन तो हमने सारे लगा दिए हैं, उन्हें इस तरीके से हिलाते हुए हमें पकाना है और उसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना है और ज़्यादा उलटना पलटना भी नहीं है। तो अब लिड लगा कर इसे लो फ्लेम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। वाओ फ्रेंड्स, बैंगन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अभी, लेकिन अभी ये कच्चे हैं तो अब हम इन्हें इतना ही पकाएंगे और इन्हें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे, चम्मच बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो मसाला बाहर आ जाएगा। और फिर इनको लिड लगा कर रख देंगे, लो फ्लेम पर रखेंगे इन्हें तब तक जब तक कि ये गल नहीं जाते हैं, बस उतनी ही देर इन्हें हमने पकाना है। तो इनको 10 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर पकते हुए इसी तरीके से। तो अब हम इसका लिड हटाएंगे और देखेंगे। वाओ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये मसाला भरवा बैंगन बनकर तैयार हुए हैं और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यमी ग्रेवी लग रही है। और अब इसके फ्लेवर को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो इनको डालने से इस ग्रेवी का जो जायका है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो चलिए अब इस लाजवाब से भरवा मसाला बैंगन को हम सर्व करते हैं। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली है और इसमें अब हम इस ग्रेवी को निकालेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसको आप इंजॉय कर सकते हैं चावल के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ, आप जिस किसी के भी साथ इनको खाएंगे ये सबके साथ बहुत ही ज़्यादा लजीज लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये तो आपको देखकर ही लग रहा होगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा यमी हमारे ये मसाला भरवा बैंगन बनकर तैयार हुए हैं। और आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।